प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जनरल ओबीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। 3 मार्च को गैरसैंण जाकर विधानसभा का घेराव भी करेंगे, क्योंकि 3 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 मार्च को आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करने का ऐलान कर्मचारियों ने किया है। कर्मचारियों की हड़ताल से बजट सत्र जो होने जा रहा है वो प्रभावित हो सकता है। हड़ताली कर्मचारियों पर लागू हुआ नो वर्क नो पे, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जारी किया आदेश। हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी माने जाएंगे अब्सेंट, अनुपस्थित। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हड़ताल की घोषणा हमने की थी वो आज से प्रारंभ हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार ने परसों जो हम लोगों से वार्ता की थी, कहीं ना कहीं उसकी वादा खिलाफी की गई है। दबाव में जिनके कारण ये प्रमोशन में लगी रोक को अब तक सरकार नहीं हटा पाई है, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सरकार ने आंदोलन के लिए तो प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ी। पंकज पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ। पंकज, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है, जनरल ओबीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, कितना असर सरकार के लिए, कितना मुश्किल? एक तरफ नो वर्क नो पे भी लागू हुआ है। देखिए, अगर कहा जाए तो सरकार के लिए मुश्किलों भरा तो ये होने ही जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, जनरल ओबीसी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जा चुके हैं, और प्रत्येक जिले में जितने भी कर्मचारी हैं वो या तो धरने पर बैठे हैं या फिर अपने घरों पर बैठे हैं। ज्यादातर ऑफिस में ऑफिस खाली हैं, उसकी वजह से सरकार के लिए परेशानी ये है, क्योंकि अब विधानसभा सत्र भी होने जा रहा है, और उसमें अगर जनरल ओबीसी के बड़ी संख्या के जो कर्मचारी हैं, लगभग 1.5 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो कार्य जरूर बाधित होता है, चाहे उसमें सचिवालय से जुड़ा हो, पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हो या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं उनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, अगर वो हड़ताल पर हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी तो है। इसलिए सरकार ने उनको पहले तो समझाने की कोशिश की, उसके बाद नो वर्क नो पे का डर दिखाकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी रुकने को तैयार नहीं हुए और आज उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या इनको मनाने के लिए कोई और हथकंडा अपनाती है या फिर क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं और पूरी तौर पर वो हड़ताल पर जाकर अपनी आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं। पंकज, 3 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान भी घेराव करने की चेतावनी, 5 मार्च को अनिश्चितकालीन सेवाओं को भी बाधित करने का ऐलान, यानी कि कहीं ना कहीं असर बजट सत्र पर पड़ेगा, आम जनता पर तो पड़ना ही है, और तमाम ये कर्मचारी, जनरल ओबीसी कर्मचारी तमाम दफ्तरों में काम करते हैं, उस दौरान भी जनता को परेशानी होने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर अभी 3 तारीख को तो जो तमाम कर्मचारी हैं आज ही वो गैरसैंण के लिए निकल जाएंगे, वहां पर गैरसैंण में कूच करेंगे और वहां पर विधानसभा को 3 तारीख को वहां पर उस घेराव करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा 5 तारीख से इमरजेंसी सेवाएं जितनी भी, पंकज एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जनरल ओबीसी संघ के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका A9 TV में। मेरा सवाल सीधा सा इतना है कि आप अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 मार्च को गैरसैंण भी जाएंगे आप, विधानसभा का घेराव करेंगे, और इधर सरकार ने नो वर्क नो पे के जरिए आपको चेतावनी भी दी है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाली, आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम लोगों ने अपना ये आंदोलन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिए किया है, और बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना अवहेलना कहीं ना कहीं हुई है, और हम लोग आज जो आंदोलन है ये हमारा आंदोलन निश्चित है कि हम लोग जब तक इस प्रमोशन में लगी रोक को सरकार नहीं हटा लेती तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। कैसा कुछ हम लोगों ने किया है उन तमाम विधायकों के लिए हम लोग चेताना चाहते हैं, जो लोग हमारे वर्ग से आते हैं वो अपनी चुप्पी तोड़े और इस मुद्दे पर खुलकर हमारे साथ में आए। जी दीपक जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि काम नहीं तो पैसा भी नहीं, नो वर्क नो पे, अनुपस्थित माने जाएंगे आप लोग? देखिए, ये कोई नया प्रमाण नहीं है,
ये फरमान आते रहते हैं, लोगों ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं है लोगों को, ये तनख्वाह तो बहुत छोटी चीज है। और आप देखिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में तो लोग हमारे वर्ग के लोग आंदोलनरत हैं, वो अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे देहरादून से।